स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? ए. यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव, बी. यीशु के जन्म का उत्सव, सी. अंतिम भोज का पालन, डी. पुनरुत्थान की मान्यता। आंसर: ए. यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। एक्सप्लेनेशन: 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है और इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने को याद करते हैं। अगला प्रश्न: तेजस MK-1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? ए. इसने सुपरसोनिक यात्रा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया। बी. ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। सी. इसने एक नई स्टील्थ तकनीक का प्रदर्शन किया। डी. इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। आंसर: बी. ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। एक्सप्लेनेशन: 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी। तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध और संचार प्रणाली, अतिरिक्त युद्ध क्षमता और बेहतर रखरखाव की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न: अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? ए. मोइन खान, बी. नितिन मेनन, सी. हबीबुल बाशर, डी. शफुद्दौला इब्ने शाहिद। आंसर: डी. शफुद्दौला इब्ने शाहिद। एक्सप्लेनेशन: बांग्लादेश के शफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन पांचवी बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। अगला प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए. केन्या, बी. इटली, सी. मेक्सिको, डी. जापान। आंसर: सी. मेक्सिको। एक्सप्लेनेशन: मेक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए। पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न: माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ए. शिव कुमार सिन्हा, बी. आदित्य गांगुली, सी. टी. राजकुमारन, डी. पवन दावुनुरी। आंसर: डी. पवन दावुनुरी। एक्सप्लेनेशन: माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के स्नातक पवन दावुनुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दावुनुरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पारखिन का स्थान लिया है।